नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूँ शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉनस्टॉप। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में कलाकारों के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह, महाराष्ट्र के उद्योग एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, संस्थान के कार्यकारी सचिव बी के मृत्युंजय, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका बी के कुसुम, महाराष्ट्र जोन की निर्देशिका बी के संतोष, टीवी स्टार श्वेता शिंदे समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह ने कहा कि कलाकार अपनी कलाओं का प्रयोग करते हुए एक नए समाज की स्थापना कर सकता है, क्योंकि कलाकारों को देखकर हर कोई अपनी निजी जिंदगी में इसे शामिल करना चाहता है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी में आके हमें जो शिक्षा मिलती है उससे हमें यह लगता है कि जीवन जीना भी एक कला है, और हम अपने जीवन को इतना सुंदर कैसे बना सकते हैं, और जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, हमें इसकी शिक्षा मिलती है। इस अवसर पर कलाकारों तथा विशेषज्ञों ने कलाओं द्वारा फैल रहे प्रदूषण से बचाने का आह्वान किया। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की शुरुआत से अब सब लोगों में ये उमंग आना चालू हुए। हम सब देशवासी, सब विश्व के लोग चाहते हैं कि शांति हो, एक जगह आके शांति चाहिए। आज इतने जन समुदाय के सामने हमने जो एक हर लोगों के अंदर में, हम हमारे दीदी के इसमें जो देखिए शांति देखते हैं, और इस परिवार में, इस परिसर के अंदर में हम जो देख रहे हैं, इतनी शांति मुझे आज तक कहीं भी देखने में नहीं मिली है। थैंक्स टू ब्रह्म कुमारी फॉर चेंजिंग अ पर्सन ऑल टुगेदर। मुझे लगता था ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जो किसी इंसान को बदल सकता है, इंसान की सोच को बदल सकता है, और बदल सकता है इतने लेवल तक बदल सकता है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये हुआ और मैं उसकी विटनेस हूँ, और मैंने वो अपने घर में महसूस किया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में सूचना तकनीकी प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ज्ञान सरोवर के निदेशक बीके डॉक्टर निर्मला, मीडिया एवं जनसंपर्क के सूचना निदेशक बीके करुणा, सूचना तकनीकी प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके यशवंत, हैदराबाद से आए R&D इंटरनेशनल डिवीजन प्रबंधक बाला किशोर, हैदराबाद AMD VP कॉरपोरेट संयोजिका डॉक्टर किरण मई, राजयोग शिक्षिका बीके सुमन ने दीप जलाकर किया। इस दौरान वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि मानवीय मन की शक्ति सूचना तकनीकी विज्ञान को जिस गति से विकसित करने में अहम भूमिका अदा कर रही है, वहीं इसके विपरीत आने वाली पीढ़ी के श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करने में पिछड़ रही है। So this conference is only for you. This is for IT personalities only, because you know what is your problem, how you are leading your life. So I feel that you should refresh also. Then the third thing, most important, is recharge. Someone is shouting at me, someone is exploiting me, someone is abusing me. I don't reflect, but I remain silent and I absorb. And I absorb means they abused me here, now I abuse myself here. इसके साथ ही संकल्प शक्ति अर्थात राजयोग की शक्ति को सभी शक्तियों में श्रेष्ठ बताते हुए उसे कार्य में लगाकर सुखद परिणाम हासिल करने की सलाह दी, और कहा कि आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ही विश्व शांति एवं मानवीय एकता के लिए एक नई क्रांति का संचार किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी IT प्रोफेशनल्स, इवन इफ वी आर नॉट रनिंग अराउंड, द माइंड इज ऑलवेज रनिंग अराउंड। सो द आइडिया वॉज टू हेल्प आवर फ्रेंड्स टू जस्ट सिट देयर एंड नॉट डू एनीथिंग even for few minutes. That's what we aim to do through these SIT retreats. And the main intention was to make simple yet profound principles of Raj Yoga both accessible and applicable to IT professionals. One thing which strikes me today in this industry, as Bala mentioned earlier, is we're doing everything faster, much more efficiently, more effectively, but in this we're losing ourselves.
We're losing that finer piece of us because we have not found our roots or really moved to something which gives that resilience. ब्रह्मा कुमारी संस्थान बिहार के मुजफ्फरपुर में गोवा की राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुजफ्फर सब जोन प्रभारी बीके रानी ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा को राजयोग मेडिटेशन रूम आध्यात्मिक संग्रहालय का अवलोकन कराया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में उन्हें बीके रानी ने शॉल ओढ़ाकर ऐश्वर्य सौगात देकर सम्मानित किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा, सांसद अजय निषाद, जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शिवदास पांडे, मुजफ्फरपुर सबजोन प्रभारी बीके रानी, श्रीमद भगवद गीता पुस्तक के लेखक विष्णुकांत समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। महामहिम राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा ने कहा कि श्रीमद भगवद गीता हमें जीवन जीने की दृष्टि देता है और मुझे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आकर बहुत खुशी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने माउंट आबू के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इस दौरान श्रीमद भगवद गीता पुस्तक का विमोचन वहाँ उपस्थित सभी महानुभावों ने किया तथा लेखक विष्णुकांत ने पुस्तक लेखन के प्रयोजन को विस्तार से प्रस्तुत किया। वहीं अन्य अतिथियों ने भी आध्यात्मिकता के प्रति अपने विचार जाहिर किए। धर्म और संस्कृति की भूमि वाराणसी की धरती में एक नया आयाम जुड़ गया, जहाँ विश्व कीर्तिमान स्थापित करता हुआ देशभक्ति का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं प्राइड नेशन के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी बीके विपिन को भी दैनिक जागरण एवं प्राइड नेशन की ओर से कार्यक्रम आयोजन की कोर कमेटी में शामिल किया गया था। इस दौरान करीब 10,000 लोगों ने 8,000 मीटर से अधिक लंबा तिरंगा थामा, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 600 से अधिक सदस्यों समेत अनेक संघ संस्था स्कूल कॉलेज के साथ समाज सेवी अधिकारी व कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देशभक्ति के धुन व बैंड पर निकाली इस भव्य झांकी में लोग काफी देर तक थिरकते रहे। वहीं अंत में दैनिक जागरण के निदेशक वीरेंद्र कुमार ने ब्रह्मा कुमारी की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे बीके विपिन को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा दैनिक जागरण के निदेशक व संपादकीय प्रभारी आलोक मिश्रा व महाप्रबंधक डॉक्टर अंकुर चड्ढा ने संस्था के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। ऐसे ही वाराणसी के श्री रामनगर कॉलोनी बजरडीहा सेवा केंद्र पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने शिरकत की, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज व संस्थान के अन्य सदस्यों ने उनका सम्मान किया। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था का प्रादुर्भाव हमारे देश में हुआ। इसके साथ ही अन्य सदस्यों ने अपने विचार रखते हुए भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का समन्वय होना जरूरी बताया। पूरे वायुमंडल में जो एक पवित्रता, जो एक अलग प्रकार का एक तेज झलकता है, उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अन्य पर्वतीय क्षेत्रों का, अन्य हिल स्टेशनों का जो स्वरूप है वो एक अलग अपना, कहीं राग, कहीं रंग, कहीं मन के अनेक भाव। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक को मुंबई के विले पार्ले सेवा केंद्र द्वारा विश्व के सबसे बड़े गुलाब के फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया, जिसे वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल लंदन में सम्मिलित किया गया। यह गुलदस्ता वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके क्रीना, बीके तपस्विनी और बीके दीपक हरके ने भेंट किया। इस गुलदस्ते में 1,000 गुलाब के फूलों का उपयोग किया गया था। वहीं साक्षी मलिक ने विश्व की सबसे छोटी राखी, जिसमें ब्रह्मा कुमारी का लोगो है, उस राखी को बीके दीपक हरके को बांधी और ब्रह्मा कुमारी का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने उन्हें ऐश्वर्य सौगात भेंट की। ब्रह्मा कुमारी ने जो मेरे लिए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं दीपक जी की और ब्रह्मा कुमारी की आभारी हूँ। लेह लद्दाख में सर्वधर्म स्वच्छता एवं सद्भावना संकल्प विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर,
ग्लोबल इंटरफेथ वॉच अलायंस के सह संयोजक स्वामी चिदानंद सरस्वती, महासचिव साध्वी भगवती सरस्वती, तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के संस्थापक मौलाना कालबे सदीक साहब, पूर्व जत्थेदार अकाल तख्त ज्ञानी गुरुवचन सिंह, माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल की PRO डीके डॉक्टर बिनी सरीन, इंटरनेशनल इस्लामिक सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष जनाब मुशाहिद खान समेत कई धार्मिक प्रतिनिधियों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान सभी धार्मिक प्रतिनिधियों ने जल की स्वच्छता और नगर व शहर की स्वच्छता पर बल दिया और अपने विचार जाहिर किए। इसके साथ ही कहा कि सभी को एकजुट होकर इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करना चाहिए, तभी देश व विश्व स्वच्छ व स्वस्थ बन सकता है। आखिर धर्म गुरुओं की भी सहायता की क्यों जरूरत पड़ी है? हर इलाके में उन्होंने कहा 10 लोग जो जिम्मेदार हैं वो इसके मैसेंजर बने, वो फिर फर्दर 10-9 लोगों को बनाए, इसीलिए कि दिस थिंग ये इट हैज़ टू स्प्रेड थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस एक ऐसा वॉश अलायंस है जो वाटर सैनिटेशन और हाइजीन के संबंध में चिंता करता है। इसलिए चिंता करता है क्योंकि यदि जल शुद्ध नहीं होगा, सैनिटेशन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो पक्का मानिए हमारा जीवन का स्तर कितने भी लेवल पर सुधरेगा नहीं। आइए इस सब के समाधान के लिए हम सब इसका समाधान निकालेंगे। अगर हम सभी मिलकर आज ही दृढ़ संकल्प कर ले तो हमारा भारतवर्ष कितना स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा। शिखर सम्मेलन में वाटर ब्लेसिंग सेरेमनी भी बनाई गई तथा लेह लद्दाख के अनेक स्थानों पर जाकर लोगों को जल की स्वच्छता तथा स्थान की स्वच्छता के प्रति जागृति लाने का प्रयास किया गया। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र द्वारा गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जी कॉमरेड ग्रुप और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के संयुक्त आयोजन में 7 दिवसीय आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी व चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में विजय रूपानी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज के लोगों में जागृति आती है। इस अवसर पर जीनियस स्कूल के हेड श्रीकांत, प्रबंधक मोहित, आत्मीय कॉलेज के ट्रस्टी जेवी हनी, वरिष्ठ राजो शिक्षिका बीके गीता, बीके अंजू, बीके डिंपल, बीके विधि समेत अनेक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे पूर्व रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी तथा राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती ने महाआरती कर झांकी का शुभारंभ किया। राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर कहा कि सभी को व्यक्तिगत जीवन में जो भी अवगुण व दुर्गुण है उसे समाप्त करने का संकल्प करना चाहिए। इस दौरान द्वादश ज्योतिर्लिंगम, समस्या समाधान स्टॉल, वैल्यू गेम, व्यसन मुक्ति स्टॉल का हजारों लोगों ने झांकी व स्टॉल का अवलोकन कर लाभ लिया। केरल के पालक्कड़ सेवा केंद्र पर उमंग उत्साह और आध्यात्मिक रीति से ओणम सेलिब्रेशन मनाया गया। इस मौके पर DRM नरेश लालवानी, डॉक्टर चित्र भानु, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं ओणम त्योहार के महत्व के बारे में प्रकाश डाला। इसके साथ ही किसी भी कार्य को श्रेष्ठ स्थिति में रहकर हर कार्य में सफलता पाने का संदेश दिया। जब तक आत्मा शरीर में है, काम से ही उसकी पहचान है। सोना भी काम है, काम नहीं करना भी एक काम है, एक डिसीजन लेना भी एक काम है कि काम नहीं करूंगा। तो काम के बिना तो जीवन है नहीं। अब हमें फैसला करना है कि हमें व्यवसायी बनना है लाइफ में, कि हमें सेवाकारी बनना है, कि हमें योगी बनना है। इस मौके पर फूलों की सुंदर रंगोली की प्रतियोगिता का आयोजन करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र पर आने वाले लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी अपनी खुशी जाहिर की। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर समाज सुधारक और शिक्षाविद श्री M ने शिरकत की और सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि सभी को सुखी बनाने के लिए पहले स्वयं को जानने तथा आंतरिक मन को स्वच्छ बनाने की आवश्यकता है। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं श्री M सेवा केंद्र पर लगे चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत हुए। दिल्ली में लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में तनाव मुक्त जीवन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने बताया कि हर प्रकार की बीमारी की शुरुआत मन से होती है, इसलिए मन को ठीक करने की जरूरत है।
वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने राज्यों का महत्व बताते हुए सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान उपस्थित कर्मचारियों ने भी अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि हमें दूसरों के बजाय स्वयं को बदलने की जरूरत है। आजकल जो सेशन था स्ट्रेस मैनेजमेंट, उससे मैंने ये सीखा कि हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें अपने आप को बदलना है, दूसरों को देखने से पहले हमें अपने आप को देखना है, हमें अपना नजरिया बदलना है और हमें खुश रहना है। ऐसे शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सर्वोदय स्कूल में आध्यात्मिकता एवं मूल्यनिष्ठ जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके पीयूष ने वर्तमान समय में मूल्यों की आवश्यकता पर बल देते हुए आदर्श जीवन के महत्व को बताया। वहीं विद्यार्थियों को कहानियां व एक्सरसाइज के माध्यम से भी मूल्यों के महत्व की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के दतिया सेवा केंद्र पर दशहरा महोत्सव समिति की बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के जल संसाधन, जनसंपर्क तथा संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, रावतपुरा सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज के अध्यक्ष रमेश अग्रवाल, एग्रो सॉल्वेंट लिमिटेड के संचालक महेश मल्होत्रा समेत कई विशिष्ट लोगों ने यह निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष होने वाली 9 दिवसीय रामलीला मंच से ही रामलीला के साथ ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा श्रीमद् भगवद गीता राजयोग का प्रवचन दिया जाएगा। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपा द्वारा सभी उपस्थित लोगों को संस्थान के अन्य सेवाओं की भी जानकारी दी गई। राजस्थान के भादरा सेवा केंद्र पर गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इसके साथ ही गोगा भेड़ी मेले में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ विधायक संजीव धनीवाल, पतंजलि के अध्यक्ष रामचंद्र, पूर्व प्रधान डॉक्टर गुरुचरण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकांता ने दीप जलाकर किया। ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र द्वारा सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेशन विषय पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति पंचम सिंह ने बताया कि किस तरह से राज्यों के माध्यम से स्व परिवर्तन किया जा सकता है। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने अपने अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। कर्नाटक के सूर्या में भी गणेश चतुर्थी मनाई गई। इस अवसर पर बीके उमा देवी ने सभी को पर्व की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के महू में खुशहाल जीवन जीने की कला विषय पर आध्यात्मिक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके रूपेश ने सदैव खुश रहने के लिए संकल्पों पर ध्यान देने की बात कही और परमात्मा याद द्वारा संकल्पों को सशक्त और जीवन को खुशहाल बनाने की प्रेरणा दी। बिहार गया के एपी कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा सीआरपीएफ ट्रेनिंग एकेडमी में तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। ऐसे ही बिहार में प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर प्रेम कुमार से बीके सुनीता ने मुलाकात कर संस्थान के सेवाओं की जानकारी दी और ईश्वरीय सौगात भेंट की। जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का अद्भुत रहस्य तथा पारिवारिक शांति एवं तनाव मुक्ति के लिए राजयोग अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, जयपुर सबजोन प्रभारी बीके सुषमा समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने कहा कि जैसे माँ अपने बच्चों में अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, वैसे श्रीमद् भगवद गीता भी हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है। इसके साथ ही नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने संस्थान के कार्यों की सराहना की। जैसे माँ अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता भी हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।